आप लोग मुझे सच्ची सच्ची बताना, लोकल ट्रेन में सफर कौन कौन करता है? सभी करते हैं। सब फर्स्ट क्लास में रहते हैं कि सेकंड क्लास में? सेकंड क्लास में। कभी आप एक बार ट्रैवल कीजिए, कल्याण से सीएसटी आई सुबह सुबह के टाइम पे, किसी में हिम्मत हो डोंबेवली से चढ़ के बता दे मुझे, इनमें सेकंड क्लास में ऐसी रश में हम पड़े रहते हैं, मतलब आपस में इतने चिपके, इतना ही नहीं आदमी अपनी बीवी से इतना नहीं चिपका हुआ रहता है जितना लोकल ट्रेन में आदमी से चिपके हुए रहते हैं। इवन अगर लड़की को, अगर अच्छे से लड़कियां ऐसे ऐसे खड़ी है, थोड़ा ऐसे लग जाता है, आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे महाभारत हो गया हो, ट्रेन के अंदर महाभारत दिखते हैं। फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास, उस टाइम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस पहुंचना है। टीसी आता है नहीं, फर्स्ट क्लास में लोग जनरल लोग चढ़ जाते हैं ऐसे, मैंने काफी बार देखा है। सेकंड क्लास की टिकट लेंगे, फर्स्ट क्लास में जाके बैठेंगे और एटीट्यूड ऐसा दिखाएंगे कि भैया फर्स्ट क्लास की टिकट सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास है ही नहीं। मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है। मेरे को सुबह सुबह कॉलेज पहुंचना होता है, 8 o'clock कॉलेज टाइम रहता है, मैं कल्याण साइड में रहता हूँ। कल्याण से मुझे ट्रेन पकड़नी रहती है, सुबह एक्सप्रेस पकड़ना पड़ता है 6 बजे की, क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग एटीट्यूड में ऐसे बैठते हैं कि भैया ट्रेन, क्योंकि टीसी आता है नहीं सुबह सुबह, कौन आएगा चेक करेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है टीसी आए मतलब नहीं है। दादर से उतर के हम जाते हैं, उस बीच में अगर टीसी ने देख लिया, चलो पास है तो छोड़ देता है, टिकट नहीं है, जो वो फाइन मारता है। उस टाइम पे हम सोचते हैं काश 40 रुपया खर्च करके टिकट लिया होता तो जान बचती थी, अब वो 40 की जगह 4,000 से फाइन मार रहे हैं। एक ये तरीके होते हैं। ऊपर से अभी हम सब कॉलेज है, जब हम फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक थे, हमको हमारे पर प्रेशर इतना नहीं था, पढ़ाई का इतना कोई प्रेशर नहीं था। 7 से लेके 12 तक एचएससी से हम पे ऐसा प्रेशर डालते थे कि भैया पढ़ के पास होना है तो अच्छा ही बात है, नहीं तो कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में। हम लोग को प्रेशर कुकर समझते थे उस टाइम पे, हम प्रेशर कुकर थे एक तरह से। 7 से 12 तक फुल स्पीड में हमको, तेज आंच में हमको पकाते थे। जब भी हम अच्छे से टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पापा आके ऐसे पूछेंगे, बेटा सब पढ़ लिया तूने अच्छे से? हम बोलते हैं चलो हाँ पढ़ लिया। पूछूं उसी टाइम, क्या पूछूं मैं सर, आता है तेरे को सर? हम बोलते हैं हाँ वाली पूछो। उस टाइम पे पूछते हैं डिफिकल्ट सवाल पहले पूछेंगे, अगर हम अटक गए तो बोलते हैं बेटा मल्लिका शेरावत नहीं आएगी एग्जाम में तेरे से, वो आके तेरे को नहीं बताएगी, आलिया भट्ट, तेरे आलिया भट्ट के सवाल नहीं आएंगे उसमें, ये सब सवाल आएंगे, पढ़ बैठ के कुछ कर। अरे चलो थोड़ी देर हम बैठते हैं, हम असल में बैठते किसी नहीं है, जब मन होगा तब पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ने वाले हम। जब हम बैठेंगे, बुक खोला है, ये मोबाइल ऐसे नीचे ध्यान जाएगा, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे कौन लाइव बैठा है, स्नैपचैट में किसने कितने स्नैप डाले, बस यही देखते हैं। फिर अच्छे से ये बात हम पे थोड़ा ऊपर नीचे प्रेशर करते हैं कि भैया अभी चलो FY में, SY में, TY में है, FY में कम प्रेशर रहता है, SY में थोड़ा ज़्यादा रहता है, TY में एकदम ज़्यादा रहता है, फिर TY के बाद हम पे प्रेशर रहता है जॉब का। मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो हम पे सिर्फ प्रेशर पे प्रेशर ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ हमारे ऊपर है ही नहीं, सिर्फ हमको कहा जाता है एक तरह से प्रेशर कुकर। फर्स्ट से लेके TY तक बस प्रेशर कुकर है, क्योंकि प्रेशर है पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। उसके बाद भी TY के बाद भी कहाँ चेंज, MBA करना है, ये करना है, तब जाके जॉब लेवल अच्छी मिलेगी, पोस्ट अच्छी मिलेगी, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।